मेरा नाम डॉक्टर सलीना हसन है और आज मरीज की ईटीटी हो रही है और हम यहाँ पे मरीज जब दौड़ता है वॉक करता है तो हम उसको जो है वो देखते हैं कि वो किस तरह वॉक करता है। ये ईटीटी जो है ये जो है ईटीटी टेस्ट जो होता है दिल के मरीजों का करते हैं जिनको शक होता है कि इनको देख कर मर गए तो ये दौड़ने में किस तरह बढ़ जाता है वॉक करने में जब तेज वॉक करते हैं तो बढ़ जाता है ये हम देखते हैं। हम यहाँ पे पहले सबसे पहले नॉर्मल ईसीजी निकाले हैं पेशेंट्स का जब बगैर वॉकिंग बिफोर वॉकिंग यानी चलने से पहले मरीज का ईसीजी कैसा था ये निकाल लेंगे। अभी तो बिफोर वॉक लिया है ना ब्लड प्रेशर सही है ब्लड प्रेशर देखते हैं देखिए नॉर्मल हो सारी चीज़ें नॉर्मल हो तो फिर हम उसको रेस्ट कर देते हैं। अब हम वॉक आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं ये कौन सी स्पीड से वॉक हो जाएगी हमारी नहीं है ये कौन सी स्पीड से वॉक होगी लेकिन और ये बताओ कि हम कितना तेज उसको दौड़ाएंगे जितना मतलब ये टॉलरेट कर सकते हो कितने मिनट तक करवाएंगे फंक्शन का स्टेमिना होता है हमारे प्रोटोकॉल में सेवन स्टेजेस होते हैं पेशेंट के ऊपर वो कितने स्टेजेस कवर करता है अच्छा आप स्पीड और एलिवेशन अच्छा नॉर्मल ईसीजी निकाल ली जी सबसे पहले नॉर्मल ईसीजी निकाल के देखेंगे उसके बाद कितनी देर में ईसीजी फिर उसके बाद ईसीजी मॉनिटर होता रहेगा उसमें ये देखेंगे मतलब ये देखेंगे कि इस्कीमिया तो नहीं है दिल की जो ईसीजी है दिल की पट्टी में चेंजेस तो नहीं आ रही इस्कीमिया तो नहीं हो रहा यानी जिसको एक्टिव डिप्रेशन कहते हैं वो तीन मिनट के बाद हर 3 मिनट के बाद देखते हैं बात अच्छा और ये ईसीजी इसमें आता रहेगा ये रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी अच्छा 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 रिकॉर्डिंग आ रही है इसमें हार्ट रेट आ रहा है मरीज जब दौड़ रहा है तो उसके बाद उसका हार्ट रेट आ रहा है रनिंग के दौरान बीपी भी देखेंगे दोबारा से रनिंग के दौरान बीपी भी देखेंगे हर स्टेज में बीपी काउंट होगा कितने घंटे देर में बीपी चेक करते हैं कितनी देर में तुम्हें चेक करते हैं डेढ़ मिनट बाद बीपी लेना होता है हर डेढ़ मिनट के बाद बीपी लेना क्या देखें हाँ देखें ईटीटी जो बेसिकली दिल का टेस्ट होता है इससे सिर्फ ये पता चलता है कि अगर कोई छुपा हुआ दिल का मर्ज हो ना तो वो पता चलता है कि जैसे नॉर्मल ईसीजी आदमी चलता फिरता है तो उस पर जोर नहीं पड़ता दिल पे इस्कीमिया लेकिन जब दौड़ता है तो दिल पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचती दिल को खून नहीं पहुंचता जब दिल के खून नहीं पहुंचता अगर कोई ब्लॉकेज होगी या कोई दिल का मसला होगा तो फिर उसमें चेंजेस आएंगे वरना नॉर्मल आदमी पे नहीं आएंगे। नॉर्मल आदमी अगर दौड़ेगा और उसके दिल के में कोई मसला हो तो उसमें चेंजेस नहीं आएंगे सही है ना तो ये उस वक्त आएंगे जिन पे जिनकी जिनको दिल का मसला होगा उसको पॉजिटिव आएगा उसमें तब्दीलियां आएंगी और वो तब्दीलियां क्यों आएंगी तो दिल पे क्यों जहाँ एग्जर्शन होता है जहाँ आप ज्यादा काम कर रहे होते हैं तो वो आपके शरीरानों को जो है ना उसके दिल को ऑक्सीजन नहीं मिलती दिल को खून सप्लाई नहीं तो वो उसके बाद वो उसकी चेंजेस आती है। तो अगर कभी मरीज को दिल में दर्द हो तो आप लोग रोक देते हो रोक देते हो कितने मिनट तक करते हैं इसी ईटीटी 12 मिनट तक करते हैं 12 मिनट तक दौड़ाते हैं आप कितनी स्पीड से बढ़ा देते हैं दौड़ने की
ग्रेजुअली बढ़ाते कितना तक बढ़ाते थे? 6 तक, 7.2 तक। और वॉकिंग रोकते कब है? जब पेशेंट को क्या हो रहा होता है? कोई कंप्लेन करे, पेशेंट कोई कंप्लेन करता है चेस्ट पेन या फैटी, यानी उसको मतलब थक गया, उसको नहीं चला जा रहा है, और किस चीज की कंप्लेन करता है पेशेंट? चक्कर आ रहे हैं तो भी रोक देते हैं। और ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है कैसे पता चलता है? यहाँ पे मॉनिटर नजर आ रहा होता है। हाँ, कर रहे होते हैं। कितने रेट पे रोक देते हैं और कितना बीपी पे रोक देते हैं? आपको अभी सीने में दर्द हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। घबराहट, चक्कर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल चक्कर नहीं आ रहे। चले माशाल्लाह। आप स्मोकिंग वगैरह करते, सिगरेट पीते थे, तो आपको ये टेस्ट किसने करवाए? क्या तकलीफ हुई जिसकी वजह से आपको टेस्ट कराया? ना सांस फूलती, चलने फिरने पे सांस फूलती है? वैसे ही चलने नहीं, मैं बेसिकली नेशनल चैंपियन हूं गोल्ड मेडल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप तो फिर चलते होंगे वहाँ पे? छोड़ दिए तो बॉडी फिगर नहीं रहता। अच्छा, मैं बच्चों के साथ ट्रेनिंग करने लगा मैं 1 महीने। अच्छा, मुझे अपने अच्छा अच्छा जो सांस बैठे बैठे फूलती है चलने से? चलने पे? चलने से नहीं। हाँ, दौड़ने से? जी दौड़ने। दौड़ने से तो सबको फूल जाती है, परेशानी की बात करें। अच्छा अच्छा देखिए। अच्छा, कोई बात नहीं, बस मुंह से बोले, बस मुंह से बोले, कोई बात। इससे पहले कभी दिल का कोई मसला तो नहीं हुआ ना आपको? ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं आप? आपके पास रिस्क फैक्टर है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसलिए डॉक्टर ने आपका ये टेस्ट करवाया, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो चांसेस होते हैं कि आपके हार्ट पे असर आते हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हार्ट पे असर हो, जिसकी वजह से सांस फूलती है। किस स्पीड से दौड़ा? 6 4 4। तो अभी 6 बढ़ाना है? 5। ब्लड प्रेशर कितना अभी? अच्छा, बढ़ता ही है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा अभी? तेजी से दौड़ रहा है, इस वजह से फिजियोलॉजिकल है, मतलब
लूज छोड़ी है अभी आप लोगों ने रोक दिया दौड़ने का, क्यों थक गए थे इसलिए या कंप्लेन कर रहे थे? कंप्लीट हो गया इनका? अभी तबीयत सही है आपको? मतलब दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा, सांस भी नहीं हो रही? बहुत अच्छा, चलो इनको अब रेस्ट फोज फेज में देंगे, पेशेंट को आराम करवाएंगे। कितने मिनट? 5-6 से 8 मिनट तक रिकवरी करेंगे, फिर ईसीजी करेंगे कि नॉर्मल होती है कि नहीं। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इनके दौड़ने की वजह से बढ़ा है। फिजियोलॉजी का हार्ट रेट 171 तक पहुंच गया अगर दौड़ने से, और ब्लड प्रेशर 170/100 तक पहुंच गया, क्योंकि दौड़ने से आपका ये सारी चीजें बढ़ी हुई कंट्रोल है। अब ये रेस्ट पोजीशन में ये कंट्रोल होंगी, इंशाल्लाह रेस्ट करेंगे उसके बाद ईसीजी लेंगे अगर वो नॉर्मल हो गई। इनकी ईसीजी में कोई तब्दीली नजर आई? नहीं। दौड़ने में कोई तब्दीली? ईटीटी नॉर्मल है इनका, क्योंकि अगर दौड़ने पे भी दिल का मतलब दिल आपका मजबूत है माशाल्लाह, यानी आप इतना दौड़ गए लेकिन उसके बावजूद भी आपके कोई दिल की पट्टी में चेंजेस नहीं आए, तो इसका मतलब आपका दिल मजबूत है माशाल्लाह। तो वो रनर थे ना, ये कह रहे थे कि पहले चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ये कि आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि अगर आपको ब्लड प्रेशर रहता है तो एक रिस्क फैक्टर होता है, तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो फिर आपके दिल के असरात हो सकते हैं आगे जाके, तो वे रिस्क फैक्टर होता है ब्लड प्रेशर। और बहुत ज्यादा नंबर वन मतलब ये होता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट पे असर पड़े, तो ये कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां खानी है कम या ज्यादा डॉक्टर फैसला करेंगे, डॉक्टर को दिखाते रहा करें, और ये खाने पीने में थोड़ा परहेज, ठीक है, स्पेशली बड़े का गोश्त बिल्कुल नहीं खाएंगे, और चिकनाई वगैरह का परहेज होना चाहिए। तो आपको अगर थोड़ी सी कंप्लेन हो रही है तो, लेकिन माशाल्लाह आपका पॉजिटिव नहीं आया, तो इसका मतलब है फिलहाल तो आपको दिल में कोई खतरनाक चेंजेस नहीं, कोई मसला नहीं है, बस आपको मतलब है कि आप फिट है माशाल्लाह। सही है, आपका ईटीटी नेगेटिव हुआ ना, इनके अब ईसीजी लेंगे बेटा। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कम हुआ ब्लड प्रेशर? 151। देखिए पेशेंट को आराम से रिलैक्स करवाना, बैठेंगे और पेशेंट सही हो जाएगा, दौड़ के ना 5-6 मिनट तक इसको बैठाएंगे, इसके बाद उसकी सीटी लेंगे। पेशेंट का ईटीटी नेगेटिव।